मुंह से बता शाबाश कौन नाग वाली की मेरे को भूत दिखाई दे रहा है क्या नो 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 नहीं दे रहा ना हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो भाई साहब फिर एक वीडियो लेके आप लोग के लिए हाजिर हैं। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी के लोग को सलाम आदाब सत श्री अकाल। तो फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ, मज़ा आने वाला है भाई साहब, मज़ा तो अभी करता है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आने वाला। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं घुमा फिरा के वीडियो करते हैं। एक लड़का छाप की तरह वो एक किलो टमाटर लेके आया, तो उसकी पड़ोसन बोली बेटा ये टमाटर मुझे दे दो, वो तुम दूसरे ले आना। तो वो लाया था 10 रुपए किलो, उसने बोला 15 रुपए का दूंगा, हाँ हाँ चल ले ले। वो 15 रुपए लाया, अब उसको आइडिया लग गया, पड़ोसन ने टमाटर मांग लिया, आइडिया लग गया। वो 15 रुपए के टमाटर ले आया, बगल वाले को फिर पहनाया, 10 रुपए का उसके 20 रुपए हो गए। फिर टमाटर लाया, ऐसे करते करते उसने टमाटर में इतना अपने आप को लगाया कि आज वो टमाटर का बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके टमाटर कंटेनर भर के अमेरिका इत्यादि देशों में सप्लाई। अच्छा बाबा जी एक बात बताइए कि पड़ोसी वाली को हमेशा टमाटर का ही जरूरत क्यों पड़ता था? बात तो सही है, कभी कभी केला भी ले लेती, केला का जरूरत नहीं पड़ता था। हद हो गया भाई साहब, अब आप ही बताइए ना कि कौन आदमी रोज डेली टमाटर लेके जाएगा? हमको नहीं पता बाबा जी, आप भी ना कमाल करते हैं, एग्जांपल भी देते, इतना गजब देते हैं कि गालियां देने का दिल करता रहता हमको। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसा हो जाता है, और गोबर खाने वाला का भाई साहब मुंह चिपड़ी के जैसा हो जाता है। चिपड़ी जानते हैं? नहीं नहीं जानते है, देख लीजिए ऐसा होता है चिपड़ी। आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं हुई है। तो करने का मन है? तो काहे ना करने का मन रहेगा बाबा जी, हाँ हाँ करने का मन है। शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत इतना ही है बाबा जी कि लड़कियाँ ना हमको ऐसे स्किप करती है जैसे साला हमको यूट्यूब के ऐड है। फंसना, अब देख लो आपका क्या मन है, ज्यादा मन क्या कहता, शादी कर लें या नहीं करें? क्या बात कर रहे बाबा जी, कैसे नहीं रहेगा मन है? कोई जुगाड़ उगाड़ है तभी रहिए ना, जरा देखे हम भी है। हाँ, क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार आदमी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? अरे बाबा जी उम्र से क्या लेना है, शादी कराइएगा तो कराइए, नहीं कराइएगा तो नहीं कराइए, बात खत्म हो गया। तो झुट्टो का उम्र उम्र पूछ रहे, सब पूछ रहे, करेगा कि नहीं करेगा ये बताइए। हाँ मत ही करो, अब काहे फंसना। बाबा जी खिसिया गए आप, नहीं कराइएगा कोई बात नहीं, अब देख लेंगे हम अपने से, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आप सबसे तो पूछते हो कैसे हो, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप पहले से बहुत कमजोर हो गए गुरुजी, ध्यान रखा करो। नहीं हो गए तो गुरुजी अपना ध्यान रखा करो। क्या बोला? तो गुरुजी अपना ध्यान रखा करो। जी एक और बात थी, मेरे ना एक भैया है, वो आपके लिए कह रहे थे कि गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ना मतलब गुरुजी ने तो सही बिजनेस बना रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी बुराई कोई करता है। कोई तो बात नहीं। अरे वो तो सही है कह रहा है, वो गलत कहाँ कह रहा है। इसमें अगर आपको दुख हो रहा है ना, तो आप जो है ना गोबर के नशे में चूर है, उससे बाहर निकल के देखिएगा, तो आपको भी लगेगा कि सही है बोल रहा है। क्योंकि गुरुजी मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती। अब आप लोग सोचते होंगे भाई साहब ये लड़की जो है अनुराचार्य महाराज जी इतनी बड़ी भक्त कैसे हो चुकी है? बात तो सही है। तो भाई साहब भक्त कुछ नहीं है, दरअसल में क्या है ना ये सबको जो है ना एक चम्मच का असर है। ये देखिए एक चम्मच गोबर, भाई साहब आप लोगों को तो पता ही है कि जो एक चम्मच खा लेता है, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता है। मुंह से बता शाबाश कौन नाग वाली गंदी स्प्रिट। अब आप लोग सोचते होंगे भाई साहब कि इस जवान को बार बार बाहर काहे निकाल रहे हैं कौन? तो भाई साहब हम बताते हैं, दरअसल में क्या है ना कि कुछ ज्यादा ही गोबर खाली है, उसको निकालने की बाहर कोशिश कर रही है। तो जरा पूछ लेते हैं, तो आज निकल जाएगा? नहीं नहीं आज नहीं निकलेगा। नहीं तो कब निकलेगा? नहीं कभी नहीं। आए कभी नहीं निकलेगा, काहे ऐसा गोबर खाली जो कभी नहीं निकलेगा? छोड़े इसको, मेरे कोट को पकड़ ले, ले पकड़ ले। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हमारे देवी देवता बहुत कट्टर है, राष्ट्रभक्त, पूछो कैसे? हमको नहीं पता। पूछो? हमको कुछ नहीं पता।
1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। क्या कहें? 33 करोड़ देवी देवता में 33 करोड़ देवी देवता। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? 33 करोड़ देवी देवता होता है या 33 कोटि देवी देवता होता है? हमको नहीं पता। आप लोग सोचते होंगे 33 कोटि देवी देवता होता है, पर महाराज जी 33 करोड़ का है बोल रहे हैं भाई साहब। 33 करोड़ देवी देवता में तो जरा हम भी सुन लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या होता है। 33 करोड़ देवताओं के नाम बता पाएंगे या नहीं? नहीं महाराज, मैं तो क्या, इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि किसी भी वेद या उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ ही नहीं सकते। कारण यही है कि प्रश्न ही गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे, हमारे वेद। तो भाई साहब वीडियो देख के यही समझ में आता है कि 33 करोड़ नहीं होता है, 33 कोटि देवी देवता होता है। बात तो सही। अब भाई साहब अब आप ही बताइए कि जिनको इतना ज्ञान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता और 33 कोटि देवी देवता का मालूम नहीं, 33 करोड़ देवी देवता में वो अपने आप को महाराज बनने अब बहुत दोबारा गुरु बनने आए हैं, आप लोग उसका तलवा चाट के पी रहे हैं, जरा सा भी शर्म है आप लोगों को? कुछ तो शर्म कर लीजिए भाई साहब। खैर भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है आप लोगों का आँख खोलना, अगर आप लोग का आँख खुला तो भी ठीक है, ना खुला तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए बस इतना ही करना चाहेंगे, सुधर जाओ, ये पाखंडी लोग से दूर रहो भाई साहब, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है उसके पीछे आप हाथ धो के पड़े रहते हो, क्या बताएं। छोड़िए भाई साहब अगली वीडियो पर नज़र डालते हैं। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? आप भी ना महाराज जी गजब करते हैं, मगर यहाँ एक ठो का चांसे नहीं है, आप बोल रहे हो कितनी लड़की के चक्कर में पड़े हो? मुँह देख के लग रहा है फोटो सेटिंग हो जाएगी। नहीं क्या बात कर रही है यार, दिल दुख जाता इसी बात बोलते थे। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई साहब जरा यह वीडियो देख लीजिए, ये लेडीज जो है ना अनुरुद्ध चार महाराज जी के पंडाल में आई थी, कुछ बात बोली थी जिस पे लिखे हुए थे लड़की के ऊपर जिंदा भूत। तो जरा देखिए क्या बोलती है बेचारी। कि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है, आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? महिला पे जिंदा भूत। अरे का थोड़ा देखे था, नहीं डाला है महाराज जी के उस पर डाला हुआ, मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला। मेरे तो पास आपने क्या प्रश्न किया था पिछली बार? मैंने प्रश्न किया था क्या, राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ, और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? गलत नहीं तो उस पर तो वीडियो में लिखा है ना जिंदा भूत लेडीज पे, मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा ना, देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। जो भाई साहब अब क्या ही बोलूं, ये लेडीज गई थी महाराज जी के पंडाल में तो थंबनेल पे लिख के रखे हुए थे लेडीज के ऊपर जिंदा भूत, वही पे आई कंप्लेन करने के लिए हमारे ऊपर भूत है, वही हाल है। खैर हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, आप लोग से अनुरोध है कि बाबा पाखंडी बाबा से बचे, अच्छा अच्छा बाबा भी दुनिया में है उससे मिलिए, इस बाबा के पास आप लोग की मर्जी जाइए ना जाइए, बस आप लोग का आँख खोलने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना हमको का जरूरत है, तुम किसी के पास जाओ मराओ। ठीक है तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।